क्लास फोर में देखिए अभी इसमें चैप्टर फाइव स्टार्ट करना है, थर्ड पार्ट। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। नियर बाय मतलब पास में, विलेज मतलब गांव होता है, एवरीवन मतलब प्रत्येक लोग, नो मतलब जानना। पास के सभी गांवों में अनीता को सभी लोग मतलब प्रत्येक लोग जान गए हैं। सी गोज टू ऑल द विलेजेस मीटिंग्स and talk about how important it is for everyone to study. Goose वो जाती है to all the villages, सभी गाँव में meeting मिलने के लिए, वो सभी गाँव में मिलने के लिए जाती है and talk और बात करने के लिए about how important it is for everyone to study, कि सभी को पढ़ने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। वह सभी गांवों में जाती है और लोगों से बात करती है कि सभी का पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। समटाइम पीपल मेक फन ऑफ हर बट अनीता नोज व्हाट शी वांट टू डू। समटाइम कभी कभी पीपल मतलब लोग मेक फन ऑफ हर उसका मजाक बनाते हैं, कभी कभी लोग उसका मजाक बनाते हैं, बट लेकिन अनीता नोज, अनीता जानती है व्हाट शी वांट टू डू कि वो क्या करना चाहती है। She does exactly what she wants to. और वह वही करती है जो वह करना चाहती है। Anita wants to become a wholesaler. Anita एक wholesaler बनना चाहती है, so that ताकि she can help the villagers, वह गांव वालों की मदद कर सके to get the right price for their honey. लोगों को सही प्राइस में, सही मूल्य में हनी देने के लिए। अनीता जो है होलसेलर बनना चाहती है ताकि वो लोगों की मदद कर सके कि वो सही प्राइस में हनी ले सके, मग ले सके। फिर आगे देखिए, एवरी बीहाइव्स हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। एवरी बीहाइव्स हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। प्रत्येक बीहाइव्स मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। प्रत्येक छत्ते में एक क्वीन बीज होती है जो अंडे देती है। देयर आर ओनली ए फ्यू मेल्स इन द हाइव्स। मधुमक्खी के छत्ते में, हाइव्स मतलब होता है छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते में कुछ ही मेल्स होते हैं, मतलब कुछ ही पुरुष होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव्स आर वर्कर्स बी, और उसमें अधिकतर जो होती है वो वर्कर्स बी होती हैं। दिस बीज वर्क ऑल डेज, और ये जो बी होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, पूरा दिन काम करते रहती हैं। दे मेक द हाइव्स, ये छत्ता बनाती हैं, वे छत्ता बनाती हैं, एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबीज बीज, और जो बेबी बीज होते हैं उनका लुक आफ्टर मतलब देखभाल भी करती हैं। दे फ्लाई अराउंड, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर, वे फूलों के चारों तरफ उड़ती हैं इन सर्च ऑफ नेक्टर। इन सर्च मतलब खोज में, सर्च मतलब होता है खोज, ऑफ नेक्टर मतलब फूलों की रस, फूलों की रस की खोज में वे फूलों के चारों ओर घूमती रहती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ हनी फॉर हनी। दे कलेक्ट, वे इकट्ठा करती हैं नेक्टर फूलों की रस को फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से, वे फूलों से उनके रस को इकट्ठा करती हैं फॉर हनी, हनी के लिए। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर विथ नेक्टर, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। व्हेन मतलब जब वन बी फाइंड फ्लावर, जब एक बी को, एक मधुमक्खी को फ्लावर ढूंढ लेती है, मधुमक्खी फ्लावर ढूंढ लेती है, फूल ढूंढ लेती है विथ नेक्टर रस वाला, जब मधुमक्खी फूलों से रस वाला फूल ढूंढ लेती है, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस, तो वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है, डांस करती है, बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, जिससे कि दूसरे बीज जो होती हैं, मधुमक्खी जो होती है, वो जान जाती हैं कि नेक्टर कहाँ पे है, फूलों का रस कहाँ पे है। द वर्कर्स बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, और जो वर्कर्स बी होती हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं।
Without workers bee, there would be neither hives nor any nectar collection. Without workers bee के बिना there would be neither hives, न मधुमक्खी का छत्ता होगा, nor any nectar collection, और ना ही कोई रस इकट्ठा हो पाएगा. All bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as workers. और जो छत्ते में जो male bees होते हैं उनका कोई विशेष रोल नहीं होता है जितना कि workers का होता है. ठीक, तो इतने का अर्थ आप लोग लिख के और होमवर्क पे लिख के और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा.